वेलकम डियर लर्नर्स आज का हमारा टॉपिक है द वॉशबैक इफेक्ट ऑफ अ टेस्ट एक टेस्ट का वॉशबैक इफेक्ट ज़रूरी होता है तो आखिर ये वॉशबैक इफेक्ट है क्या यही तो आज हम पढ़ने वाले हैं तो आज हम सबसे पहले ये समझेंगे कि वाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉशबैक इफेक्ट वॉशबैक इफेक्ट का आखिर कॉन्सेप्ट क्या है ये पढ़ने के बाद हम ये देखेंगे कि वॉशबैक इफेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कौन सी खसूसियात होती हैं कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वॉशबैक इफेक्ट की इसके बाद फिर हम ये पढ़ेंगे कि वाट आर द फैक्टर्स विच मीडिएट द दॉचबेक इफेक्ट आखिर वॉशबेक इफेक्ट क्यों कॉज होता है और कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वाचबेक इफेक्ट को मीडिएट करते हैं यह पढ़ने के बाद और ये समझने के बाद हम एल्डरसन एंड वॉल्स की फ़िफ्टीन वॉशबेक हाइपोथेसिस को देखेंगे जो कि ये वॉशबेक को एक्सप्लेन करने के लिए देते हैं इसके बाद हम का हूसका फ्रेमोको वॉशबेक पढ़ेंगे एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग बेलीज मॉडल ऑफ वॉचबैक इफेक्ट ये सब कुछ पढ़ने के बाद हम माइक्रो वॉशबेक और मेक्रो वॉशबेक के बीच में डिफरेंसेस को स्टडी करेंगे तो दोस्तों बने रहिएगा हमारी इस वीडियो में हम आज वॉशबेक के इफेक्ट के बारे में एक अच्छी स्टडी करने वाले हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम के इफेक्ट की तकरीबन हर डायमेंशन को डिस्कस करें एक आध मॉडल्स और भी हैं जैसे कि ग्रीनस मॉडल वाशबेक इफेक्ट है जो कि हम आज की हमारी इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएं तो आप कमेंट सेक्शन में उसका नाम जरूर मेंशन कर सकते हैं क्योंकि ग्रीन्स मॉडल वाशबेग के ऊपर एक पूरी ही वीडियो बन सकती है So stay with us, we will just be back. Washback effect. It is also called the backwash effect. Washback effect का ना दूसरा नाम backwash effect भी है. तो दोनों में फर्क क्या है? देखो तो दोस्तों दरअसल बात ये है कि अप्लाइड लिंग्वेस्टिक्स की फील्ड में वॉचबैक का नाम ज़्यादा इस्तेमाल होता है जबकि जनरल एजुकेशन में बैक वॉश का लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल होता है दोनों का मतलब सेम से है और दोनों का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सेम ही है सो द वॉशबैक इफेक्ट ऑफ टेस्टिंग इज प्राइमेरली द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टिंग ऑन ट्रेनिंग एंड लर्निंग भाई जब आप कोई लैंग्वेज टेस्ट लेते हो तो उस लैंग्वेज टेस्ट का क्या असर होता है ट्रेनिंग के ऊपर और लर्निंग के ऊपर उसे हम कहते हैं वॉशबैक इफेक्ट किस तरह से आइए देखते हैं टीचर्स ट्रेलर दियर क्लास रूम इफेक्ट देखें कहा यह जा रहा है कि जो उस होते हैं वो अपनी क्लासरूम एक्टिविटीज को इस तरह से टेलर करते हैं ताकि वो टेस्ट की डिमांड्स को पूरा कर सकें खूस जब टेस्ट कोई इंपॉर्टेंट हो और वो स्टूडेंट्स के फ्यूचर पर कोई इम्पेक्ट रखती है तो अब ये जो असर है टेस्ट का जो कि लर्निंग को ड्राइव कर रहा है जो कि टीचर्स की एक इंस्ट्रक्शन को ड्राइव कर रहा है इसे हम कहते हैं वॉइसबैक इफेक्ट अब जैसे आप देखें एक क्लासरूम में टीचर हमें नॉर्मली क्या करता है स्कूल में या फिर कॉलेज में कि वो टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर कभी कभार वो कहते हैं कि भाई मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड देन एवरेज एंड देन लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में वो उसको कैटेगराइज़ करता है ये कैसे ये वो टेस्ट के परस्पेक्टिव में करता है कि भाई इसका जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें ज़्यादा इन एग्ज़ाम्स के आने के चांसेस हैं इनके कम चांसेस हैं और इनके इससे भी कम चांसेस है तो जिन क्वेश्चन की जिन टॉपिक्स के चांसेस ज्यादा होते हैं उनको वो ज्यादा पढ़ाता है अभी आप देखें ये टेस्ट का एक असर है लर्निंग के ऊपर अब जो स्टूडेंट्स हैं वो उन टॉपिक्स को ज्यादा लर्न करेंगे जिनके चांसेस टेस्ट में आने के ज्यादा है तो ये दरअसल टेस्ट का वॉचबैक इफेक्ट है कि टेस्ट जो है वो क्या कर रही है आपका जो लास्ट एग्जामिनेशन है जो टेस्ट है वो आपकी लर्निंग प्रोसेस को डिटर्मिन कर रहा है वो आपकी टीचिंग को इंस्ट्रक्शन को ट्रेनिंग को डिटर्मिन कर रहा है वॉल ये कहते हैं कि वॉशबैक इज इनोटल वॉशबैक इनविटेबल है वॉशबैक लाजमी होगा जब भी टेस्टिंग होगी देयर वुड भी वॉशबैक ओवर देयर सो मैजिक ये कहते हैं कि वॉशबैग इज अ प्रोमिनेंट नोशन इन लिंग्विस्टिक्स अपलायड लिंग्विस्टिक्स का एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट नोशन है ये वॉशबैक इफेक्ट इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है स्पेशली इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग एंड लैंगवेज रिवल्यूशन लैंग्वेज असमेंट एंड देन अगेन इन जनरल एजुकेशन एज वेल सो से वैट टेस्ट और एग्जामिनेशन कैन और शुड ड्राइव टीचिंग एनहेंस लर्निंग वो ये कहते हैं कि टेस्ट या फिर एग्जामिनेशन जो है वो टीचिंग को ड्राइव करते हैं और जिसकी वजह से वो लर्निंग को भी ड्राइव करते हैं वो कहते हैं कि उन्हें करना भी चाहिए और करते भी हैं देखिए मतलब जो टेस्ट का और एग्जामिनेशन का टीचिंग और लर्निंग के ऊपर असर है वो ये कह रहे हैं कि ये होना चाहिए और ये होता भी है ठीक है जी यानी कि टेस्ट जो आपका असर डाल रही है आपकी लर्निंग के ऊपर आपकी टीचिंग के ऊपर उसे हम कहते हैं वॉशबैक इफेक्ट जी तो की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सबसे पहले इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम स्केल के हिसाब से देखते हैं कि वॉशबैक की स्केल कितनी है वो इंडिविजुअल लेवल पर होता है या वो सोशल लेवल पर होता है जो टेस्ट छोटी होती हैं उनका इंडिविजुअल लेवल पर होता है जो टेस्ट बड़ी होती हैं उनका सोशल लेवल पर इम्पैक्ट होता है वैल्यू उसकी पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव तब जब ये लर्निंग को प्रमोट करे और नेगेटिव तब जब ये लर्निंग uh, को डिसक्रेज करे अच्छा फोकस अगेन इसका नेरो और ब्रॉड हो सकता है ये डिपेंड करता है स्केल के ऊपर जितनी बड़ी स्केल होगी उतना इसका बड़ा फोकस होगा इंटेंशनैलिटी अच्छा कुछ टेस्ट में जो है वो वॉशबेक इंटेंडेड होता है ठीक है जी वॉशबेक जान के दिया जाता है और कुछ में अन भी स्टूडेंट्स जो हैं वो वो वॉशबेक लेते हैं स्टूडेंट्स भी लेते हैं रिसर्चर्स भी ले सकते हैं मटेरियल डिज़ाइनर्स भी ले सकते हैं और टीचर्स भी लेते हैं तो वो तमाम के तमाम जो एजेंट्स इन्वाल्ड हैं जो पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्ड हैं एक लर्निंग एनवायरनमेंट में वो टीचर है वो लर्नर है वो मटेरियल डिज़ाइनर है वो सिलेबस डेवलपर है उन सब के ऊपर जो है वो वॉशबैक का इफेक्ट होता है ठीक है जी और ये इंटेंडेड भी हो सकता है और अनइंटेंडेड भी हो सकता है ठीक है जी अच्छा इसकी लेंथ शॉर्ट टर्म भी हो सकती है इसकी लेंथ लॉन्ग टर्म भी हो सकती है अगेन अगर टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वॉशबैक लंबे अरसे तक रहेगा और अगर टेस्ट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो जो वॉशबैक की लेंथ है वो कम ही होगी अच्छा जी अगेन देन वी हैव स्टिमुलस ये एक्शंस के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है और ये परस के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है एंड जब हम मिस्टेक्स की बात करते हैं तो ये हाई स्टेक्स में भी हो सकता है और ये लो स्टेक्स में भी हो सकता है स्टेक्स हमारे पास जो है वो ज्यादा फॉर्मल टेस्ट होती हैं और जो कि ज्यादा स्टैंडर्डाइज होती हैं लो लो स्टेक्स टेस्ट हैंटिवली कम स्टैंडर्डाइज होती है आयल्स एंडल एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेक्स टेस्ट बाय द वे अच्छा जी तो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वॉशबेक को अफेक्ट करते हैं दे इंक्लूड टेस्ट फैक्टर्स कुछ टेस्ट फैक्टर्स होते हैं जैसे कि कॉन्टेंट परपज मैथड अच्छा टेस्ट का जो कंटेंट है ये इससे वाशबेक होता है टेस्ट का जो पर्पस है इससे भी वॉशबेक होता है अगर टेस्ट का पर्पस कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उससे वाशबेक बड़ा होगा टेस्ट का पर्पस कोई छोटा सा है जैसे कि टेस्ट का कॉन्टेंट तो बड़ा जबरदस्त है लेकिन वो क्लासरूम टेस्ट है तो इतना वॉशबेक नहीं होगा लेकिन अगर वो सेम कॉन्टेंट uh, वाली टेस्ट ही आपका फाइनल एग्जामिनेशन बन जाए तो अब इसका क्योंकि एक पर्पज़ बहुत बड़ा है तो फिर इसका वॉशबेक भी ज़्यादा होगा और फिर मेथड ऑफ टेस्टिंग के ऊपर भी है कि किस तरह से वो टेस्ट ली जा रही है ये भी वॉचबैक जो है वो कॉज करती है दूसरा फैक्टर हमारे पास है प्रेस्टीज तो सोसाइटी में जिस टेस्ट को ज़्यादा प्रेस्टीज दी जाती है उसका वाचबैक ज़्यादा होता है लेट्स से इन ए पाकिस्तानी सोसाइटी सी एस एस एग्जाम एंड इन एन इंडियन सोसाइटी यू पी एस सी एग्ज़ाम तो सी एस एस एग्जाम या फिर यू पी एस सी एग्ज़ाम जो हैं इनकी सोशल प्रेस्टीज बहुत ज़्यादा है अदर एग्जाम्स इन पाकिस्तान और इंडिया तो इन एग्जाम्स का वॉशबैक भी बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एनी अदर टेस्ट और एग्जामिनेशन इन पाकिस्तान और इंडिया के अंदर तो जितनी सोशल प्रेस्टीज बढ़ेगी उतना वॉशबैक इफेक्ट बढ़ेगा जितनी सोशल प्रेस्टीज कम होगी एक, एक टेस्ट की उतना उसका वॉशबैक इफेक्ट कम होगा थर्ड हमारे पास है कॉन्टेक्स्ट स्कूल सेटिंग जहां पर वो टेस्ट ली जा रही है कभी वाचबेक इफेक्ट होता है कि भाई जो सेटिंग है वो किस तरह की है जहाँ पर वो लर्निंग और टीचिंग हो रही है और फिर जहाँ पर स्पेशली वो लैंग्वेज टेस्ट की जा रही है आ, या फिर जनरली वो लैंग्वेज टेस्ट नहीं है लेकिन कोई भी टेस्ट वो दी जा रही है या ली जा रही है तो उसका सेटिंग क्या है स्कूल सेटिंग क्या है ठीक है जी तो इसका हम इसका भी एक वाचबेक इफेक्ट होता है कि भाई वहाँ पर स्ट्रिक्टनेस है वहाँ पर ऐसी कंडीशन है वैसी कंडीशन है तो इसका भी वाचबेक इफेक्ट होता है और एक मैक्रो कॉन्टेक्स्ट में देखें कि कौन सी सोसाइटी में वो दिया जा रहा है तो एक अगर हम इसका बड़ा कॉन्टेक्स ले लें तो वो भी वॉशबैक इफेक्ट कॉज करता है और फिर इसके बाद कुछ पर्सनल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि आपके लिए वो टेस्ट इंपॉर्टेंट है या नहीं है मे बी वो टेस्ट उसकी सोशल प्रस्टीज बहुत ज़्यादा है मगर वो मेरे लिए कोई ऐसे खास अहमियत के हमल नहीं है तो वाशबैक इफेक्ट मेरे ऊपर इतना नहीं होगा लेकिन अगर वो कोई छोटी टेस्ट है मगर मैंने उसको अपने ऊपर सवार कर दिया है और मेरा करियर उसके ऊपर डिपेंड करता है तो फिर उसका वाशबैक इफेक्ट मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा होगा तो यानी कि पर्सनल फैक्टर्स ऑल्सो मीडिएट द वॉशबैक इफेक्ट ऑफ अ टेस्ट इसके बाद हमारे पास एल्डरसन एंड वोल्स की फिफ्टीन वॉशबैक हैपोथिसिस है अच्छा ये सामने आपको स्क्रीन पर पंद्रह की पंद्रह हाइपोथिस नज़र आ रही हैं जिनको मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला मैं इनकी कंक्लूजन और इनके रिजल्ट्स आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा अगर आप चाहते हैं कि मैं एल्डरसन एंड वॉल्स की पंद्रह की पंद्रह वॉशबैक हाइपोथिस को एक्सप्लेन करूं तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकती है अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा अब ये जो आपने पंद्रह हाइपोथिस अभी देख ली इनसे नतीजा ये आखस होता है कि एल्डरसन और वॉल्स जो है वो हमें एक डैकऑटमी दे रहे हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि दो पार्टीज और दो प्रोसेस के ऊपर वॉशबेक इफेक्ट होता है यानी वो ये कहते हैं कि जो टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं ये दो पार्टीज हैं ठीक है जी इनके ऊपर वॉशबेक होता है और टू तो प्रोसेस हैं टीचिंग का और लर्निंग का इनके ऊपर वॉशबेक इफेक्ट होता है अब हम देखते हैं कि जो हुक्स का फ्रेमवर्क है वो एल्डरसन और वॉल्स की फिफ्टीन से किस तरह से डिफरेंट है अच्छा जी अब जबकि एल्डरसन एंड वोल्स जो हैं वो हमें एक डायकोटर देते हैं हुक्स हमें एक ट्राकोटर देते हैं वो ये कहते हैं कि वॉशबैक पार्टिसिपेंट्स के ऊपर भी होगा प्रोसेस के ऊपर भी होगा और प्रोडक्ट्स के ऊपर भी होगा ठीक है जी अब जो आपकी एल्डरसन और वोल्स की हाइपोथेसिस थी वो थर्ड फैक्टर को काउंट नहीं कर रही थी लेकिन हुक्स ने एक थर्ड फैक्टर भी इसमें ऐड किया है और हुक्स ये कहता है कि पार्टिसिपेंट्स टीचर्स भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हो सकते हैं मटीरियल डेवलपर्स भी हो सकते हैं रिसर्चर्स भी हो सकते हैं ये तमाम के तमाम वो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके ऊपर एक टेस्ट का वॉशबैक इफेक्ट होता है और फिर वो कहता है कि वो तमाम प्रोसेस लाइक स्टडिंग मेमोराइजिंग टीचिंग वर्ग ट्यूटरिंग ये सारे के सारे प्रोसेस के ऊपर वॉशबेक इफेक्ट होता है और प्रोडक्ट्स के ऊपर भी वॉशबैक इफेक्ट होता है जैसे कि स्टडिंग है तो स्टडिंग का एंड गोल क्या है जो एक कोई लाइक से स्किल है हम वो सीखना चाहते हैं तो उस स्किल के ऊपर भी वॉशबैक इफेक्ट होगा जो न्यू मटेरियल्स एक रिसर्चर बनाना चाहते हैं उन मटेरियल्स में वॉचबैक इफेक्ट हमें दिखाई देगा अगर कोई सिलेबस डेवलपर है तो वो जो करिकुलर डेवलप करेगा तो उसके ऊपर भी हमें वाचबैक इफेक्ट दिखाई देगा अगर टेस्ट और ट्यूटरिंग है तो उसकी रिजल्ट्स में भी हमें वॉशबैक इफेक्ट बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगा अच्छा जी यही यूज़ का फ्रेमवर्क है जो कि बैली ने इस्तेमाल किया है टू डिफाइन हिज मॉडल ऑफ वॉशबैक इफेक्ट नाउ एज यू कैन सी ये वही यूज़ का ट्रैकोटमी फ्रेमवर्क है जो कि बैली ने इस्तेमाल किया है जहाँ पर वही कहता है कि भाई आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं लर्नर्स टीचर्स मटीरियल राइटर्स एंड करिकुलम डिज़ाइनर्स एंड रिसर्चर ये कुछ प्रोसेस से गुजरते हैं और फिर इनकी कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे लर्नर्स जो हैं उनका लर्निंग का प्रोसेस होता है एट द एंड ऑफ द डे उनकी जो प्रोडक्ट होती है वो उन्होंने कुछ चीज़ें सीखी होती है कोई ना कोई उनकी लर्निंग होती है इसी तरह से टीचर्स एक प्रोसेस से गुजर के एक एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं एंड देन बाय द एंड ऑफ द डे उनकी टीचिंग हो जाती है इसी तरह से जो मटेरियल डेवलपर्स हैं वो क्या करते हैं वो मटेरियल्स डिज़ाइन का करिकुलम डिज़ाइन का एक पैटर्न से एक प्रोसेस से गुजरते हैं एंड बाय द एंड ऑफ द डे वी गेट न्यू मटेरियल्स एंड न्यू करिकुलम रिसर्चर्स इसी तरह से एक पूरा सिस्टमेटिक मेथड ऑफ रिसर्च को फॉलो करते हैं और फिर वो कुछ रिजल्ट को ड्रॉ करते हैं तो ये पार्टिसिपेंट्स ये प्रोसेस सारे जो कि ये फॉलो कर रहे हैं और जो एंड प्रोडक्ट्स इनको मिल रही हैं इन सब के ऊपर वॉशबेक इफेक्ट होगा एक टेस्ट का अब आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं दीज ऑल आर कनेक्टेड टू द टेस्ट दीज ऑल पार्टिसिपेंट्स आर कनेक्टेड टू द टेस्ट दीज ऑल प्रोसेस आर कनेक्टेड टू द टेस्ट एंड दीज ऑल प्रोडक्ट आर ऑल्सो लर्न कनेक्टेड टू द टेस्ट तो इन तमाम के तमाम के ऊपर हमें टेस्ट का वॉशबैक इफेक्ट जरूर दिखाई देता है अकॉर्डिंग टू बेली एक और एज ए सेट के मॉडल है ग्रीन्स मॉडल ऑफ वॉशबैक इफेक्ट अगर आप चाहते हैं कि हम उसको एक्सप्लेन करें तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर लीजिएगा कि हम एक्सप्लेन करेंटियोमेंट ऑफेज लेक्स प्लस पार्टिसिपेंट्स के ठीक है जी अब यहां पर आपको सिमिलैरिटी मिलेगी टेस्ट और पार्टिसपेंट्स आपके दोनों तरफ माइक्रो वॉशबेक वाली कैटेगरी में भी और माइक्रो वॉशबेक वाली कैटेगरी में भी सेम है पार्टिसिपेंट्स uh, है प्लस इंटरेक्शन विध है और प्लस आपकी परसेप्शन टेस्ट है वही सेम चीज़ आपको दूसरी साइड में मिलेगी लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आपको प्रोसेस भी सेम मिलेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफ डेटा फ्रॉम द टेस्ट देयर एज वेल एंड देन पार्टिसिपेंट्स इन बोथ केसेस फिर अब आप वो आपको कुछ प्रोडक्ट्स देते हैं लेकिन माइक्रो वॉश माइक्रोवेक जो है वो उन प्रोडक्ट्स वो कौन सी होती हैं वो टीचिंग इफेक्ट्स छोटे होंगे वो लर्निंग इफेक्ट्स होंगे ठीक है जी पढ़ाई पढ़ाने के ऊपर कौन से असरात होते हैं लर्निंग के ऊपर कौन से असरात होते हैं ठीक है जी आ, उसके अलावा स्कोर गेन के ऊपर उनके कौन से असरात होते हैं मटीरियल सिलेक्शन के ऊपर उनके कौन से असरात होते हैं तो ये सारी चीज़ें माइक्रो वोशबेक जो है ना इफेक्ट जनरेट करती हैं जबकि इनोवेशन के ऊपर उसके कौन से असरात होते हैं उसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं ठीक है समाज में उससे कौन सा उसके ऊपर फर्क पड़ेगा ये मैक्रो वोशबेक जनरेट करते हैं किसी भी टेस्ट के लिए ठीक है जी तो टेस्ट अपना माइक्रो वोशबेक भी जनरेट कर सकती है और टेस्ट अपना मैक्रो वोशबेक भी जनरेट कर सकती है एंड अगेन ये जो वॉचबेक होगा ये पार्टिसिपेंट्स के ऊपर भी होगा ये प्रोसेसर्स के ऊपर भी होगा और ये प्रोडक्ट्स के ऊपर भी होगा ठीक है जी एंड वॉचबेक इफेक्ट होता एक टेस्ट का है एक एग्जामिनेशन का है आई होप कि आपको वॉचबेक इफेक्ट समझ में आ गया होगा अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है या क्यूरीज है यू कैन आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो अपने कमेंट्स और अपने सजेशन अपनी एडवाइस जरूर दिया करें कमेंट सेक्शन में ठीक है जी आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो थम पर क्लिक करें सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यार अब इतनी मेहनत के बाद घंटी तो बजानी है और वीडियो को शेयर वगैरह भी कर दीजिएगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग